हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो गाइस आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है। उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी गाइस, आज का वीडियो ना तो किसी ब्यूटी पे होने वाला है, ना कोई रिव्यू होने वाला है, कुछ बिल्कुल डिफरेंट वीडियो होने वाला है। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। गाइस मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने जो रिव्यूज़ किए हैं उसकी कंपेरिजन जो मैंने चैलेंजेस किए हैं, तो जितने भी मैंने अब तक के चैलेंजेस किए हैं वो आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके मेरे सारे चैलेंजेस को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके भी बताइएगा। जैसे मैंने हिकअप्स चैलेंज भी किया है, बैलून ब्रस्टिंग चैलेंज भी किया है, चॉक ईटिंग चैलेंज भी किया है। सो गाइज ये चैलेंज सब रिक्वेस्टेड बेसिस पे थे, जो मेरे को कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं वो चाहते थे कि मैं कुछ चैलेंजेस करूं, तो मैंने उनका जो ये रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। तो आज भी मैं जो वीडियो करने वाली हूं ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप इस तरह कोई चैलेंज करें। सो गाइज मुझे जो चैलेंजेस पे प्यार मिल रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, उसके थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला मुझे उस पे, पर जो व्यूज के कंपेरिजन मुझे ज्यादा लगा कि आप लोग शायद चैलेंजेस देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं सोचा क्यों ना डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस लेकर आई और आपको ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहे। सो गाइज आज मैं एक डिफरेंट चैलेंज लेकर आई हूँ। सो गाइज मैं आज इसको खाने वाली हूँ। सो गाइज ये है जो मिट्टी से बना हुआ होता है, मोस्टली लोग जानते होंगे, अब करवा वो करवे का ढक्कन है ये। मुझे नहीं पता ये हार्ड है या सॉफ्ट है, मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है, पर मैं अभी जस्ट आपके सामने लाइव बैठी हुई हूँ और मैं इसको अभी खा के दिखाने वाली हूँ। सो गाइज ये मुझे वैसे हार्ड लग रहा है पर मैं ट्राई करूँगी इसको खाने का, और ये करवे का है। जैसे जो गुल्लक होती है या जैसे कुछ और मिट्टी का बना हुआ होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये जो होता है इसको थोड़ा पकाते हैं, थोड़ा सा हो सकता है हार्ड, पर मैं ट्राई करूंगी। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कोई इसी तरह के चैलेंजेस, कुछ डिफरेंट चैलेंजेस जो मैं कर सकती होंगी तो मैं उनको डेफिनेटली ट्राई करूंगी, और मुझे इस चैलेंज के बारे में भी जरूर बताना। बाकी गाइज अगर आप कुछ और चैलेंजेस देखना चाहते हैं बैलून ब्रस्टिंग वगैरह के, या कुछ डिफरेंट जो अच्छे भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, एंटरटेन भी करें, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको भी ट्राई करूंगी। सो गाइज ये है करवे का ढक्कन, और गाइज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये ना मिट्टी का बना हुआ होता है तो आई थिंक उतना नुकसान ना भी करता हो बॉडी को, जैसे कि अदर चौक हो गई, स्लेटी हो गई, ये सब चीजें कर सकती है नुकसान, पर ये मुझे लगता नहीं। और जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बहुत पसंद आता है, तो कोई कोई लेडीज जो होती है प्रेगनेंसी में इसको खाना बहुत पसंद करती हैं क्योंकि उनका मन करता है मिट्टी खाने का। तो मैं आपसे एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। ऐसी मेरी एक जानने वाली भाभी थी, तो जब वो प्रेग्नेंट थी तो मुझसे कई बार बोलती थी कि मुझे ना ये लाके देना, मेरा मन करता है मिट्टी खाने का। सो मैंने उसको उनको लाके भी दिया मार्केट से, वो खाती भी थी, और वो कई बार ये करती थी खा के उसको स्प्लिट भी कर देती थी, कई बार खा भी लेती थी। तो मैं उनको बोलती थी भाभी आप इसको खाते हो मिट्टी को आपको नुकसान नहीं करेगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये नुकसान नहीं करता और प्रेगनेंसी में सब हजम हो जाता है। सो लाइक दैट शी वॉज टेलिंग। सो अब मुझे नहीं पता ये क्या है, जो भी है सो मैं ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बने रहेगा वीडियो के साथ। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है पता है ना आप लोगों को, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सो गाइज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा तो मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहूंगी। साथ में गाइज मैंने कुछ रिव्यू वीडियोज भी डाली है, बहुत अच्छी रिव्यूज है, और डेफिनेटली ट्रस्ट मी मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ उसका पहले मैंने अपने ऊपर यूज किया होता है, उसके बाद ही मैं उसको शेयर करती हूँ। तो गाइज प्लीज मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, ऐसे उसका रिव्यू नहीं किया गया, फर्स्ट मैंने उसको यूज किया, इसके बाद ही मैंने आप लोगों से रिव्यू शेयर किया है। तो चलिए गाइज मैं ट्राई करती हूँ उसको खाने का, और होप सो मैं खा सकूँ उसको। सो देखते हैं, इस साइज थोड़ा सा बेकार भी हो सकता है। सो मैं इसको पीसीज में तो नहीं तोड़ रही, मैं टीथ से ही कट करने की कोशिश करती हूँ। गाइस हार्ड है, कुछ भी बहुत अच्छी है। सुपर्ब,
टेस्ट तो अच्छा है, थोड़ा हार्ड है। ये जो है ना गाइस, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे कट करने में, पर जो उसका होता है ना गुल्लक जो आती है मिट्टी की, वो बहुत सॉफ्ट होता है। आई थिंक जो जो दिए आते हैं दिवाली पे, शायद वो भी थोड़े सॉफ्ट होते होंगे, पर थोड़ा सा इसको काटने में ना हार्डनेस फील हो रही है मुझे। चलिए और खाती हूँ। तो गाइज मैं कर रही हूँ चैलेंज, और जिसने मुझे चैलेंज दिया है, होप सो वो भी वीडियो को देख रहे होंगे, सो जरूर बताना वो चैलेंज कैसा लगा। मैं ट्राई करूंगी से जितना ज्यादा हो सके उतना खाऊं, अभी इतना खाया है। पर ना दांतों में ना किड़किड़ हो रही है, पर इट्स ऑसम। चलिए